यस्टरडे वी फिनिश्ड विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. प्री फर्टिलाइजेशन आपने क्या क्या पढ़ा? पहले गेमीट बनेंगे, गेमीट फॉर्मेशन. सेकेंड, गेमीट्स ट्रांसफर होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, दैट इज गेमीट ट्रांसफर. ओके. थर्ड इज व्हेन दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, जैसा भी कहिए सर, ठीक है. तो व्हेन दे फॉल ऑन टू द स्टिग्मा देयर इट गोज विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ थर्ड स्टेप. इट इज अ सेल्फ कंपैटिबिलिटी. तो चेक द सेल्फ कंपैटिबिलिटी एंड द पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर काइंड. जिसकी स्टिग्मा के ऊपर गिरा है उसी की काइंड का पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा. नेक्स्ट चेंजेस एज अ रिस्पॉन्स इट जनरेट्स द पॉलन ट्यूब. फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलन ट्यूब, इलॉन्गेशन ऑफ अ पॉलन ट्यूब, फॉलोड आफ्टर बाय द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन टू द ओव्यूल स्ट्रक्चर. अब तक हमने ये पांच इवेंट्स पढ़े, किसके? बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है, ठीक है. नाउ व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो द फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट एज? डबल फर्टिलाइजेशन. हम कभी भी इसको सिंगल में नाम कला फर्टिलाइजेशन नहीं लिखेंगे. वी ऑलवेज राइट इट इज डबल फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द एंजियोस्पर्म्स, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स. What is that fertilization called? Double fertilization. ठीक है, आपको simple एक word में भी पूछा जा सकता है question. Name the type of the fertilization या name the process which is involving the fusion of the male and the female gamete. That is called as only that is called as synergy, but it is a part of the double fertilization. ठीक है. So now what is this double fertilization? This is it's a process which involves the fusion of the male and the female gametes in the plant. But along with it, it also requires another process. दो process इकट्ठे होते हैं. क्यों double बोल रहे हैं? क्योंकि दो processes इकट्ठे हो रहे हैं. कौन कौन से हैं ये दो processes? One is synergy. And second is triple fusion. Definition यही लिखेंगे आप. Double fertilization is a process which involves two further processes. That is synergy and ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, फिर आप इनको एक्सप्लेन करो. इसकी डेफिनेशन में तो सिर्फ यही लिखोगे कि दो प्रोसेसेस हैं और इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन दो. ठीक है, सो व्हाट इज दिस सिनगैमी? नाउ इट्स अ फर्स्ट फिनोमिनन सिनगैमी दैट इन्वॉल्व्स द ट्रू फर्टिलाइजेशन. ट्रू फर्टिलाइजेशन मतलब जिसमें एक मेल गैमीट ने एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन देना है. आपको याद है हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन किया था तब मैंने बोला था कि पॉलन ग्रेन दैट कैरीज टू मेल गेमीट्स, है ना, वन ऑफ दोस टू मेल गेमीट्स, वन, उन दोनों में से एक मेल गेमीट एक एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन देता है. इससे पहले क्या हुआ था? पॉलन ट्यूब एंटर हुई थी ना ओव्यूल के अंदर. ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंटर होने पे फीमेल गेमीट यानी कि एग सेल मिलेगा. एग सेल ने फ्यूजन देना है मेल गेमीट के साथ. ठीक है, दिस इज यूनिवर्सली वी नो दैट बोथ द गेमीट्स विल बी हैप्लॉइड कैरिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, है ना, सिंगल सेट. सिंगल क्रोमोजोम नहीं लिखना, कांटा बजेगा सीधा. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम. ठीक है, वन मेल गेमीट कैरिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, द फीमेल गेमीट कैरिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, बिकॉज यूनिवर्सली द गेमीट्स आर हैप्लॉइड. दे अंडरगो द सिनगैमी प्रोसेस दैट इज फ्यूजन. दोनों ने फ्यूजन किया, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे. And that single structure is called as zygote. After the fusion of the two gametes, a single structure is created, a single cell is created, called as zygote. अब n ये है, n ये है, fusion देगा तो ये क्या बनेगा? 2n. ठीक है, so zygote is a diploid structure, right? Zygote is a diploid structure. Now, where does the second male gamete goes? एक male gamete तो involve हो गया, ठीक है, अब दूसरा कहाँ जाएगा? That is involved in the second process that is called as triple fusion. अब इसमें क्या होगा? There in the ovule, you have studied the structure called as central cell. याद है? Central cell, polar cell, उसके अंदर कितने nucleus होते हैं? दो, ठीक है, दो polar nuclei होते हैं. तो हमने क्या किया यहाँ पे? ये दोनों को अलग अलग लिखना है. ठीक है, टू पी एन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि पर वो फ्यूज्ड नहीं है तो इसलिए आपको वन प्लस वन लिखना चाहिए, बस ज्यादा बेटर. ठीक है,
तो अनदर मेल गैमीट गोज एंड फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, द टू पोलर न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल और द पोलर सेल. डन. नाउ ऑल ऑफ दीज वर एन इन नेचर. ये सारे न्यूक्लियस किसके हैं? एम्ब्रियो सैक के. जहां फीमेल गैमीट एन बना था उसके बाकी के स्ट्रक्चर भी सारे एन 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 थे. सिनर्जिड भी एन एन वाले, एंटीपोडल भी एन एन वाले, ये भी एन वाले. ठीक है. अब ये तीनों चीजें फ्यूज होंगी. जब तीन एन फ्यूज हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? थ्री एन स्ट्रक्चर, है ना. सो व्हेन द थ्री ऑफ दीज एंड्स विल बी फ्यूजिंग, दे विल बी रिलेटेड एंड दे विल बी फ्यूजिंग फॉर्मिंग अ सिंगल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पेन. दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस पहला जो बनेगा इन तीनों की फ्यूजन से, उसको नाम दिया है एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन. गेटिंग? ओके. दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट हैज द प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ट्रिप्लॉइड, टी आर आई, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा. ये हैप्लॉइड होता है. कल्ला एन लिखना, हैप्लॉइड. ठीक है, टर्म्स आपको पता है ना, ये वाली कल्ला एन, इसको क्या लिखेंगे? हैप्लॉइड. ठीक है. टू एन इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड एंड दिस थ्री एन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी लिख लो. वन एन स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, टू एन स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, थ्री एन स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड. टी आर आई, ट्रिप्लॉइड. गेटिंग? ओके. वन एन, टू एन, थ्री एन. ओके. सो दिस इज वॉट, दिस इज द फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, टू ऑफ द फिनोमिनास दैट विच रिजल्ट इन वन जायगॉट अनदर पेन. ठीक है. अब डायग्रामेटिकली डबल फर्टिलाइजेशन शो करना है, उसके लिए क्वेश्चन आता है, ड्रॉ और नीड एंड लेबल डायग्राम. लिखो क्वेश्चन. ड्रॉ, हाँ जी, पी ई एन, हाँ पी एन, दैट इज अ पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर. ठीक है, आप सेंट्रल न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, पोलर भी लिख सकते हो, दोनों तरफ. मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताया आपको, अदरवाइज यू आर टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. What is syngamy? Syngamy is a biological process in which one of the male gametes from pollen grain fuses with the egg cell. Both being haploid, after fusion results into a diploid structure called zygote. ये लिखना है जो मैंने अभी बोला है पूरा नहीं. ठीक है, ऐसे ही आपने इसके लिए पूरा डिस्क्राइब करना है. ये सिर्फ फ्लो चार्ट फॉर्म में ईजी बनाने के लिए, आपको याद कराने के लिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन द क्वेश्चन. ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ, TS of carpal, TS of carpal showing double fertilization, showing double fertilization. Double fertilization show करता हुआ TS of carpal draw करें. TS means a transverse section. ठीक है, एक पूरा हमने stigma style ovary लिया और उसमें हमने cut section show करना है. ठीक है, सो दैट इज द TS, TS ऑफ कार्पल. कार्पल इज वॉट? दैट इज अ पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, सो दैट इज TS ऑफ कार्पल, राइट. अब TS ऑफ कार्पल के लिए आपने बड़ा डायग्राम बनाना है, मोर देन हाफ ऑफ योर पेज. ठीक है, देयर इज द स्टिग्मा, दिस इज फर्स्टली से स्टिग्मा. ठीक है, दैट इज अ स्टिकी एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कार्पल एंड इट इज अ स्टिकी एंड. स्टिकी एंड है क्योंकि ये स्टिकी है, इसलिए इसके ऊपर सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आके चिपक जाते हैं जो इधर उधर अवेलेबल होते हैं. ठीक है, लेकिन जर्मिनेट कौन करेगा? जो सेल्फ कंपैटिबल होगा. गेटिंग? ओके. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टिग्मा. फर्स्ट दिस इज द स्टिग्मा, देन देयर अराइजेस द नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूज इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ स्टाइल. आपने भी ऐसे ही वाइड बनानी है बेटा, क्योंकि हम TS शो कर रहे हैं ना, तो बीच में भी स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, मेक द स्टाइल अप्रोक्सीमेटली फॉर 6 to 7 लाइन्स और मोर, क्योंकि स्टाइल बहुत ज्यादा इलॉन्गेटेड होती है. मैं छोटी बना रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने ओवरी बनाना.
ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे स्ट्रक्चर को, स्टाइल को इलॉन्गेट करेंगे, ओके बना लिया. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दिस देयर इज अ स्वोलन बेस दैट इज ऑफ द ओवरी. ठीक है, सो अ राउंडेड ओवरी दैट इज ऑन द स्वोलन एज अ स्वोलन बेस दैट इज अ राउंडेड ओवरी, राइट. सो दिस इज द राउंडेड ओवरी, एक प्रॉपर राउंडेड ओवरी का शेप दे देना इसमें. हाँ जी बेटा, आर यू गेटिंग इट? अब हमने ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने बताया दैट इज वन काइंड ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने कल बनाया, दैट इज ऑर्थोट्रॉपस, जिसमें माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलस यानी स्टॉक, उसका सब कुछ अलाइंड होता है. ठीक है, अब हमने एक अलग तरह का बनाना है जो आपकी बुक में भी गिवन है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल विद इन द ओवरी. इफ पॉसिबली यू कैन मेक इट देन इट इज ओके, इफ यू कांट देन यू कैन ऑल्सो मेक ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, जो आप लोगों ने कल ड्रॉ किया था वो भी बना सकते हो. ठीक है, अब उसके लिए यू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इन द सेंटर, ठीक है, बेस पे, दैट इज अ स्टॉक बाय विच द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेजेंटा. ठीक है, ये वो वाली स्टॉक है जिसमें प्लेजेंटा के साथ ये अटैच्ड है ओव्यूल. अब क्योंकि ये उलट उल्टाना है हमें, इसको पूरा पलट देना है नीचे की तरफ, तो आप ये राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरह बनाओगे, लेकिन बीच में यहाँ पे गैप छोड़ देना, बहुत ज्यादा इसको ज्वाइन नहीं करना. ठीक है, गैप छोड़ देना थोड़ा और, इसको भले ही दूर बना लो. दिस इज बिकॉज क्योंकि आपने इसके साइड से अभी एक पूरा पोलन ट्यूब को भी ट्रेवल करवाना है. ठीक है, तो जगह चाहिए, उस हिसाब से आपके डायग्राम में जगह होनी चाहिए, तो थोड़ी सी ब्रॉड जगह बना लो इस तरह से. दिस इज द ओव्यूल से, दिस इज द ओव्यूल, बनाया, सर्कल करना है पूरा, एंड तक नहीं जोड़ना इसको. ठीक है, एट द इमीडिएट एंड देयर इज अ कवरिंग दैट इज ऑफ द इंटेग्यूमेंट. ये इंटेग्यूमेंट बन गया उल्टा, अभी उल्टाना था ना कल, जो ऑर्थोट्रॉपस किया था हमने ऐसे था, अब हमने उसको पलटा दिया, अब नीचे को बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, नीचे आ जाए माइक्रोपाइप. ठीक है, देन फ्रॉम द सेकेंड साइड अगेन देयर इज अ इंटेग्यूमेंट, एक दूसरा इंटेग्यूमेंट इधर से भी आएगा ना, इधर से एक आउटर इंटेग्यूमेंट आ गया तो इधर से भी आएगा, तो उसके लिए वी विल बी क्रिएटिंग अनदर इंटेग्यूमेंट लाइक दिस एंड देन कॉन्टिन्यू इट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. डन, देन एन इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट ने पूरा सर्कल बनाना है. ठीक है, तो ये इनर इंटेग्यूमेंट आपने माइक्रोपाइल जरूर बनानी है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाओगे इनर इंटेग्यूमेंट को, लेकिन साथ में ओपनिंग जरूर क्रिएटेड रहनी चाहिए, ओपनिंग नहीं बंद कर देनी. ठीक है, ओपनिंग नहीं बंद करनी, ये बन गया. एंड नाउ कॉन्टिन्यू इट विद अ फुल सर्कल, पूरा सर्कल बना लो इसके ऊपर. ठीक है, इस तरह से पूरा कंबाइन कर दो इसको लाइन से. दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट, मेड इट? हाँ जी, हैव यू मेड इट? आफ्टर दिस देयर इज एन ओवल सर्कल, बीच में एक ओवल स्ट्रक्चर है इस तरह, है ना, जिसके अंदर है एम्ब्रियो सैक, ऐसा ही है ना, ये टिश्यू है, इसके अंदर है एम्ब्रियो सैक. तो हाँ, ये क्लोज है, ये पूरा ओवल आपने बनाना है, क्लोज कर देनी है माइक्रोपाइल. ठीक है, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने इस तरह से एक और ओवल बना दो जो है एम्ब्रियो सैक का ओवल, डबल ओवल बना लिया, मतलब एक कॉमन पॉइंट है, ओवल दो है, जैसे वो कंसेंट्रिक आपके सर्कल्स होते हैं ना, एक ही पॉइंट से इस तरह से दो ओवल बनाओ. ठीक है, गेटिंग? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल देयर इज एन एग सेल, आपकी बुक में ये वाला डायग्राम है एनाट्रोपस का,
ठीक है, तो आपको अगर ये आसान लगता है बनाने, आप ये बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेक द ऑर्थोट्रॉपस ऑव्यूल जो कल किया था हमने, वो भी डायग्राम में बना सकते हो यहाँ पे, वो इजी है। डबल फर्टिलाइजेशन दिखाती हूँ अभी, पहले ऑव्यूल तो बना लें, उसी के साथ ही तो होनी है फर्टिलाइजेशन। है जी, हाँ यही बनाना है। नहीं, ऑव्यूल का स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो, कल वाला ऑव्यूल बना सकते हो, वो ईजी है, वो सीधा है ना, बनाना भी आसान है, जल्दी से बन जाता है। इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी ज्यादा चाहिए। बोथ वेज इट इज करेक्ट, इट इज, इट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है, ऑन द माइक्रोपाइलर सेट देयर इज अ एग सेल विद द टू सिनर्जिड्स, सेम वे में जैसे कल किया हमने। दिस इज वन वन न्यूक्लियस इन ईच, ऑपोजिट टू दिस, ऑपोजिट एंड में क्या आएंगे, थ्री सिमिलर साइज सेल्स कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, है ना, अपोजिट एंड में तीन, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस, एंड सेंटर में सिंगल सेल विद टू न्यूक्लियाई, एक सेल है डबल न्यूक्लियस के साथ, दैट इज अ सेंट्रल सेल और अ पोलर सेल। हाँ जी, गॉट इट, हैव यू गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, ये क्लियर हो गया ऑव्यूल का स्ट्रक्चर, कार्पल का टी एस क्लियर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, देयर इज अ पॉलन ग्रेन, जो सेल्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है, हम उसी का स्ट्रक्चर बना देते हैं सिर्फ, बाकी तो बहुत सारे आए हैं लेकिन सेल्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन यही वाला है। जब प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो रही थी, उससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी आया, पॉलन ट्यूब ने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, और पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स हैं, उनको कैरी करा के ये एंटर करेगा इनटू द ओव्यूल, ऐसे ही है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे, दिस इज जर्मिनेटिंग, अब इसको आपने पूरा का पूरा डबल लाइन के साथ यहां से इस तरह लेके जाना है, ठीक है, टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन्स पर यूज करोगे साथ साथ, बिकॉज दिस इज द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द माइक्रोपाइल, सो दिस इज, इट हैज मेड द एंट्री इनटू द माइक्रोपाइलर एंड टुवर्ड्स अ एक्सेल। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे गैप छोड़ो, पूरा ये एक्सेल तक ले जाना है अपने इसको टर्न करके। ठीक है, डन? हाँ जी, क्लियर? देन दिस पॉलन ट्यूब, हाउ मेनी मेल गैमीट्स इट वाज कैरिंग फ्रॉम द पॉलन ग्रेन, टू। ठीक है, तो यहां मैं ये ब्लू कलर में शो कर रही हूँ, टू ऑफ द न्यूक्लियाई दैट आर ऑफ द मेल गैमीट्स, दो डॉट्स बना दो इसमें। यू कैन ऑल्सो शेड दिस विद अ डिफरेंट लाइक डार्क लाइन और अ प्लेन लाइन, सिंपल लाइन। ठीक है, क्या बनाऊ, पॉलन ट्यूब, यू कैन कम हियर, यू कैन सिट हियर, सिट हेयर फॉर द टाइम बींग, आप बाद में चले जाना वापस, आ जाओ। हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर, अभी तक सही हो गया, समझ आ गया? ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी हमने दो प्रोसेसेस पढ़े, कौन कौन से, एक पढ़ा आपने सिनगैमी, दूसरा पढ़ा आपने ट्रिपल फ्यूजन, है ना। सिनगैमी में क्या हो रहा है, वन ऑफ द मेल गैमीट्स, ये वन मेल गैमीट है, वन ऑफ द मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद द एग सेल, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, है ना, बनाओ एरो, वन ऑफ द मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद द एग सेल, और इस एरो को लेबल करो, एरो को लेबल करो एज सिनगैमी, एरो को लेबल करो सिनगैमी, एक मेल गैमीट एग सेल की तरफ चला गया, एरो बनाना है सिंपल। ठीक है, दूसरा मेल गैमीट किधर गया, सेंट्रल सेल की तरफ, तो दूसरा एरो तुम्हारा जाएगा इस तरफ, सेंट्रल सेल की तरफ। ठीक है, दूसरा कहाँ गया मेल गैमीट, सेंट्रल सेल की तरफ। अब यहां पे इस एरो को आप लेबल करोगे, ये वाला एरो क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज शोइंग ट्रिपल फ्यूजन, हो गए दो फिनोमिना। ठीक है, हो गए दो फिनोमिना जी, वन सेकेंड, सिनगैमी जब ही मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, दो हैं मेल गैमीट तो दो हैं,
तीनों में सेंटर वाला सिर्फ एडिसन है, ये बाकी साइड वाले सिनर्जिड है। हाँ जी बोलो चाहत। मैम मेल गैमेट विजिबल नहीं है। मेल गैमेट्स बेटा सिर्फ दो आपने डॉट्स बनाने हैं, ठीक है, दो डॉट्स हैं, वो दो डॉट्स आपने ज्वाइन कर देने हैं विद द एक्सेल एरो ले जाना है टुवर्ड्स द एक्सेल। अभी दिख रहा है? हाँ जी, इज इट ओके नाउ? दिस इज वन ऑफ द डॉट इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सेल, वन ऑफ द डॉट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। डन? हाँ जी क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों प्रोसेसेस को लेबल करना है सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन। डन? अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ फुल नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ दिस, ठीक है, तो उसमें आपने सब कुछ लेबल कर देना। सब कुछ मीन्स आपने ये ओव्यूल के पार्ट्स तो आपको पता है, कल करवाए थे मैंने, ठीक है, वो सारे पार्ट्स लेबल करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अकोमोडेशन आपने खुद करनी है उसके अंदर, प्लस साथ में ये चीजें भी लिखो, दिस इज पॉलन ग्रेन, दिस इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, दिस इज पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पार्ट्स भी आपने सारे के सारे बीच में लेबल करने हैं। गेटिंग? हाँ जी गेटिंग, ओके। प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज एन ओव्यूल, दिस इज द ओवरी, ठीक है, आपको पार्ट्स लेबल करने हैं, आपको सब कुछ पता है कौन कौन से पार्ट्स हैं, आप उस तरह से इनको लेबल करो। लेकिन जो हमारे दो प्रोसेसेस है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या था, दैट इज टू शो द डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, तो मेजर जो है वो जरूर हमें हाईलाइटेड यहाँ पे नजर आना चाहिए, उसको इस तरह से कैपिटल्स में लेबल करके बॉक्सेस में डाल दो, दैट दिस इज वेयर वी आर शोइंग द टू प्रोसेसेस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ कार्पल शोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे भी इसको ये वाला फ्लो चार्ट यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दो, इट हार्डली टेक्स वन मिनट मोर, वन मेल गैमेट वन फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा प्लॉइडीज का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप बता रहे हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन पोलर न्यूक्लियाई, वन पोलर न्यूक्लियाई वन मेल गैमेट टुगेदर दे फ्यूज फॉर्मिंग द पेन। खत्म? हाँ जी, नहीं ये क्यों फ्यूज करेंगे, इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। हाँ जी ये क्लियर हुआ? पीएन ये वाले बेटा दोनों ये रहे, एक पोलर न्यूक्लियस दूसरा पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी चले प्रोसीड, दिस डायग्राम एंड द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज क्लियर, ओके डन, एनी डाउट टू एनीवन? ऑल क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू मेड इट? नेक्स्ट लेसन व्हाट हैपेंस फर्दर इज, अभी इस स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, ये हुआ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछते हैं ना व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने किए थे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, आपने इन दोनों प्रोसेसेस को समझा लेना, ठीक है। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। अभी तक हमने एक स्ट्रक्चर किया है एम्ब्रियो सैक, मैं कल ही यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल था, दो सिनर्जिड्स थे, तीन एंटीबॉडल्स हैं और साथ में एक पोलर सेल, डन है इतना, उसमें यही देख रहे हो ना, ठीक है। दूसरा हमारे पास दो मेल गैमेट्स एंटर हो चुके हैं, अभी तक दोनों मेल गैमेट्स आ गए ना इनटू दी स्ट्रक्चर्स, एग सेल और ये जायगोट वाले सॉरी ये पोलर सेल वाले स्ट्रक्चर में आ गए, ठीक है। जब ही ये एंटर कर जाएंगे, साथ ही इन्होंने क्या करना है, फ्यूजन दे देना, फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनाएंगे, फ्यूज करेंगे तो पेन बनाएंगे। यहाँ फ्यूजन हो गया, ये एक कॉमन न्यूक्लियस हो गया ना, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, ये वाला सेल जब भी जायगोट की फॉर्म में तैयार हो जाता है, साथ ही ये डीजनरेट कर जाएंगे। पहला काम ही क्या होगा, सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, अब यहाँ पे भी एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, मीन्स अ न्यू सेल बन गया, राइट, साथ ही ये भी डीजनरेट हो जाएंगे, डन। मीन्स व्हाट, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेल्स जितने थे वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे,
उनका काम तो खत्म हो गया, क्या काम था, एग सेल को नरिश करते थे ना। अब जब एग सेल नहीं बचा, अब तो वो एग सेल नहीं ना रहा, वो जायगोट बन गया, तो इनका काम भी खत्म और ये भी खत्म, खत्म सेल्स। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो सैक में, वन जायगोट वन पेन, दैट इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज जायगोट एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर वाला और बाहर वाला है सेल पूरा, तो इसको आप लिखोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैक। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, अभी समझ लो, सिर्फ ये बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। हाँ जी नव्या मैम, ये दोबारा बता दोगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं दोबारा समझा रही हूँ बेटा, यही वाले डायग्राम में ना, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने एंट्रीज शो करी हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है और जायगोट पेन जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जब बन गए तो वही वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक, जिसको मैंने लेबल किया ना एम्ब्रियो सैक, ये देखो है ना, तो यही वाला स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। हुआ क्या, एक एग सेल था, मेल गैमेट एंटर हुआ, दोनों फ्यूज हो गए, ये वाला सेल ट्रांसफॉर्म हो गया, जायगोट बन गया। अंदर भी एक न्यूक्लियस आया था पोलर सेल में, है ना, ट्रिपल फ्यूजन से मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस इधर एंटर हुआ था, इसका भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, ये बन गया पेन। न्यूक्लियस को बोलेंगे पेन क्योंकि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, फुल फॉर्म इसका ये, और जो सेल इसको कैरी कर रहा है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। गेटिंग? जैसे ही ये दो नए स्ट्रक्चर बनेंगे, पुराने स्ट्रक्चर्स जिन्होंने कुछ और नहीं किया वो सारे डीजनरेट हो गए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, दो चीजें फ्यूज हुई इन दोनों में, तो ये सिनर्जिड हो गया, एंटीपोडल हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। राइट नाउ, अब पहली बात थी एग सेल को नरिशमेंट सिनर्जिड और एंटीपोडल दे रहे थे, अब एग सेल तो एग सेल नहीं रहा, जायगोट हो गया और सिनर्जिड एंटीपोडल भी डिस्ट्रॉय हो गए, तो जायगोट को नरिशमेंट कौन देगा, अभी तो इसने भी बहुत सारी डिविजन करनी है एम्ब्रियो बनाना। ठीक है, अब इसको डिविजन कौन देगा, इसको डिविजन देगा, सॉरी इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, दैट इज द एंडोस्पर्म। पर ये तो खुद में ही एक सेल है, ये तो सिंगल सेल को खाना खिला देगा, वो तो खत्म हो जाएगा, उसके लिए ये क्या करेगा, इट हैज टू क्रिएट अ फुल न्यू लेयर, दिस सिंगल सेल अंडरगोज मल्टीपल क्लीवेजेस, और जब तक ये सारी क्लीवेजेस के साथ इस सारे एरिया को दोबारा नहीं भर देता, तब तक के लिए जायगोट एक डोरमेंट स्टेज पे चला जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, why zygote enters a dormant phase, dormant means a resting phase, bracket mein likh bhi sakte ho resting phase, why zygote enters a dormant or resting phase immediately after its formation, immediately after its फॉर्मेशन, जैसे ये बना जायगोट, बनते ही ये रेस्टिंग फेज पे चला गया, क्यों, क्योंकि अभी इसके लिए नरिशमेंट तैयार नहीं है, क्लीवेजेस तो करेगा ना, अगर उसको कुछ खाना पीना मिलेगा तो, है ना, एनर्जी मिलेगा, तो वह एनर्जी कहाँ से आएगा, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, ये तो अपने आप में एक सेल है, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीपल टाइम्स क्लीवेजेस करेगा, मल्टीपल टाइम क्लीवेजेस करेगा, और ये वाला सारा एरिया सेलुलर मास से पूरा अच्छे से भर जाएगा, दिस इज इट ऑल गेट्स फिल्ड विद द सेल्स ऑफ दिस एंडोस्पर्म, इस तरह से पूरा का पूरा ऐसा सारा का सारा भर जाएगा। जब वो एंडोस्पर्म इतना सारा तैयार हो गया, इट स्टार्टेड नरिशिंग द जायगोट। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला चेंज क्या आया, पहला चेंज आया, इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग, व्हाई इट एंटर्स इनटू अ रेस्टिंग फेज, दैट इज बिकॉज zygote requires nourishment and the primary endosperm nucleus divides forming a new layer called as endosperm. इस पूरी लेयर का नाम है एंडोस्पर्म। ठीक है, इस पूरी लेयर का, ये जो मैं न्यू सेल्स बना रही हूँ, दिस इज कम्प्लीटली कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। हाँ जी, पैक तो वो सेल्स ही हो गए ना, वो तो सेल्स ही है, ये तो सेल्स है, एक सेल है, बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं, डिविजन दे रहा है,
एक से दो, दो से चार, चार से आठ। हाँ हाँ पैक अपने आप में एक सेल है ना, प्राइमरी था। हाँ प्राइमरी खत्म हो जाएगा। यस प्राइमरी सेल तो वो प्राइमरी मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्राइमरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आ गए, पर वो सारे सेल्स क्या हैं, एक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। जायगोट क्यों कर रहा है? जायगोट तो साइलेंट पड़ा है, रेस्टिंग फेज पे है। ये तो एंडोस्पर्म है ना, ये पेन से बन गए, ठीक है, ये तो पेन से बन गए। नहीं समझे? ये समझ गए? एनी डाउट टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पैक इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेल है जो डिविजन अंडरगो करेगा, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा, और वो नंबर ऑफ सेल्स एक पूरा शीट, एक नवा लेयर बना रहे हैं जिसका नाम है एंडोस्पर्म, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जो एग सेल था ये नरिशमेंट लेता था अपने साइड वाले सेल में से, ये वाले सेल्स में से, है ना। अब ये जायगोट अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेगा? इन सेल्स में से। सेल्स न्यूट्रिटिव है ना, तो वहां से अपनी नरिशमेंट फेच कर लेगा, ठीक है। ओके सो व्हाइट एंटर्स इनटू द जायगोट, ये सक्षम। मैम आपने पैक जो जो एंडोस्पर्म जो आपने बनाया वो पैक से बनाया है कि पेन से बनाया है? बेटा दोनों एक ही चीज है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? दिस इज वन सेल हैविंग द न्यूक्लियस। जब एक सेल डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर पूरा सेल भी तो कर ही जाता है ना। आप डिवाइड करने में इतना कंफ्यूज भी हो रहे हो? आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नहीं पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, तो वहां क्या होता है, एक अमीबा एक सेल है, तो जब वो डिवाइड हुआ पूरा सेल ही दो में बटेगा ना, सेल ही डिवाइड होता है स्टार्ट तो, लेकिन न्यूक्लियस से होता है ना, तो दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर, है ना। स्टार्ट तो वो पेन ही करेगा, इनिशिएट तो वही करेगा, अल्टीमेटली पूरा सेल ही डिवाइड होगा ना। वन सेल डिवाइड इनटू फॉर्मिंग द टू, अब ये एक सेल है ये डिवाइड हो जाएगा तो ये दो नवे सेल्स बना दिए, है ना। फिर ये डिवाइड हो जाएंगे लेट से, तो इन्होंने आगे चार नवे सेल्स बना दिए कुछ इस तरह, तो द सेल इज डिवाइडिंग, है ना, करते करते ये सारा का सारा भर जाएगा। दैट इज व्हाई इट एंटर्स इनटू अ डोरमेंट फेज, ताकि उसके लिए न्यूट्रिशन तैयार तो हो पहले, तभी तो वो अपनी डिविजन देगा। तब तक के लिए ये ऐसे ही पड़ा है, देखो इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा है, इट इज द सेम। वो रेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि उसके लिए अभी खाना तैयार नहीं हुआ, ठीक है। इन अ कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दिस, कि उसका खाना अभी तैयार नहीं हुआ और वो रेस्ट कर रहा है। जब भी खाना तैयार होगा फिर इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेन प्लांट कहाँ से बन रहा है, वो तो जायगोट से बन रहा है ना, वो तो जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे पूरा प्लांट बनाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके राइट चलो सो वी विल कंटिन्यू दिस फर्दर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट?